हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 8 की मैथ्स की शास्त्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में शैलेश सर में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक। तो आइए देखते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, यानी 888888 है। तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि गुणज क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले ये हमारा जानना बहुत ही जरूरी है कि गुणज क्या होता है। इसमें बोला है 8 के 3 लगातार गुणज। अब गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 2 के गुणजों की बात करूं तो यानी 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। तो ये 2 के गुणज है, 2 के मल्टीपल है। इसी तरह से आगे जाता जाएगा, है ना, है ना। 2 × 11 = 22, है ना, और 2 × 12 यहां पर हो जाएगा 24। तो इसी तरह से ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा। ये 2 के गुणज है, 2 के मल्टीपल्स हैं। 3 के गुणजों की अगर मैं बात करूं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, ऐसे ही आगे बढ़ते हुआ जाएगा। ये 3 के गुणज कहलाएंगे। उसी तरह यहां पर 8 के गुणजों की बात हो रही है, तो 8 के गुणज का तात्पर्य यह है, जैसे कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40। इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर ये कह रहा है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो आप समझ गए कि गुणज किसे कहते हैं। साधारण भाषा में ये कहूं, अगर मैं अगर किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो दूसरी संख्या पहली वाली संख्या का गुणज बन जाती है। मेरी बात पे गौर कीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। अगर किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो दूसरी संख्या पहली वाली संख्या का गुणज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर कोई संख्या रखता हूं 2, इसकी गुणा अगर मैं 1 से करता हूं तो आता है 2 एकम 2, यानी ये जो 2 है, ये यहां पर 1 जो है 2 का क्या बन गया, गुणज बन गया, है ना। और यहां पर 2 अगर मैं यहां पर 2 की गुणा 2 से कर दूं तो यहां पर आया 4, 2 दूनी 4, यानी किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर जो परिणाम आता है वो पहले वाली संख्या का क्या होता है, गुणज होता है। यहां पर जैसे किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर जो परिणाम आता है, उत्तर आता है, वो पहली वाली संख्या का गुणज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 का गुणज है 2, ये 4 भी 2 का ही गुणज है। अब यहां पर जैसे अगर मैं 2 की यहां पर गुणा 3 से कर देता हूं तो देखिये 3 दूनी 6, तो यहां पर जो 6 आया है वो इस 2 का क्या है, गुणज है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं 8 की, अगर मैं 8 की गुणा 1 से करता हूं, है ना, तो यहां पर आता है 8 एकम 8, तो ये जो 8 आया है इस पहले वाली संख्या का गुणज है। यानी अगर किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करते हैं जो उत्तर आता है, जो परिणाम आता है, वो उस संख्या का पहले वाली संख्या का गुणज हो जाता है, गुणज कहलाता है। अगर मैं यहां पर 8 × 2 करूं, 8 × 16, तो ये 16 जो है 8 का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 8 × 3 करूं, 8 3 = 24, तो यहाँ पर जो 8 है वो 3 का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। यहाँ पर जो 8 है, क्षमा कीजिए, यहाँ पर जो 24 है वो 8 का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, जैसे 8 एकम 8 था तो परिणाम में 8 आया, 8 8 का गुणज हो गया। 8 फिर मैंने 8 की गुणा 2 से की, तो है ना, तो यहाँ पर 2 से गुणा करने के बाद परिणाम आया हमारा 16, और 16 8 का गुणज हो जाएगा। उसके बाद 8 × 3, है ना, यहाँ पर 24 आया परिणाम में, ये 24 8 का गुणज हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो ये थे मल्टीपल्स यानी गुणज। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, यानी 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। अब मुझे नहीं पता वो गुणज कौन से हैं, हो सकता है 16 हो, 24 हो, 40 हो, कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज इसने लगातार, इसने एक चीज महत्वपूर्ण कही है कि 3 लगातार है, वो गुणज जो है तीनों लगातार है। जैसे ये 3 8 के लगातार गुणज है, 8 एकम 8, 8 × 2 = 16, 8 3 = 24, ये तीनों लगातार है 8 के गुणजों में। तो ये कह रहा है
के आठ के तीन लगातार गुणजों का योग हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, मैंने आपको बताया अगर किसी संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो परिणाम जो है पहली संख्या का गुणज बन जाता है। तो अब मुझे नहीं पता कि तीन लगातार गुणज कौन से हैं, तो मैं मानता हूं कि माना पहला गुणज है ना, तो अब पहला गुणज मुझे नहीं पता तो मैं उसे मानूंगा x, उसे मैं मानूंगा x, बिल्कुल x तो मानूंगा ही, लेकिन वो गुणज तभी होगा आठ का जब उसकी आठ से क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। तो पहला गुणज होएगा मेरा आठ एक्स ना कि x। तो मैंने आपको बताया अगर किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करते हैं जो परिणाम आता है इस संख्या का पहले वाली संख्या का गुणज बन जाता है। अगर मैं तो ये तो था पहला गुणज, अब दूसरा गुणज, दूसरा गुणज, अब जानते हैं पहला गुणज जो था हमारा वो था आठ एक्स, तो हमारा दूसरा गुणज क्या होगा, तो देखिए वो कह रहा तीन लगातार गुणज, तो हम क्या करेंगे पहले हमने संख्या ली थी x, उसके बाद हम लेंगे चूंकि लगातार है तो यहाँ पर हम ले लेंगे x प्लस वन। अभी लास्ट टाइम हमारे वीडियो में एक सवाल भी था कि लगातार तीन पूर्णांक, तो उसमें हमने किया था x, x प्लस वन और x प्लस दो, उसी तरह यहाँ पर लगातार की बात हो रही है तो x, x प्लस वन, अब इसको भी आठ का गुणज बनाना है तो इसकी भी गुणा आठ से हो जाएगी, तो दूसरा जो हमारा गुणज है वो जाएगा आठ एक्स, क्योंकि इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी और आठ की गुणा एक से भी होगी प्लस आठ, यानी हमारा दूसरा गुणज हो गया आठ एक्स प्लस आठ। तो ये हो गया हमारा दूसरा गुणज और ये परिणाम जो है इस आठ का गुणज है। उसके बाद में बात आती है हमारे तीसरे गुणज की, तीसरा जो गुणज है हमारा, ठीक है पहला एक्स फिर एक्स प्लस वन, तीसरा हो जाएगा एक्स प्लस टू, लगातार की बात हो रही है पहला x, दूसरा x प्लस वन, तीसरा x प्लस टू, तो इसकी गुणा आठ से हो जाएगी। अब इसकी हम आठ से गुणा करेंगे गुणज बनाने के लिए, आठ की गुणा x से हुई तो आठ एक्स और आठ की गुणा दो से हुई आठ दुनी सोलह, आठ दुनी सोलह। तो हमने देखा ये जो परिणाम है ये आठ का क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। तो अभी मेरे पास आठ के तीन गुणज आ चुके हैं, कौन से हैं, पहला है हमारा आठ एक्स, दूसरा है आठ एक्स प्लस आठ, तीसरा है आठ एक्स प्लस सोलह, लेकिन तीनों की जो प्रॉपर वैल्यू है वो मुझे नहीं पता है। आइए इसको हम इक्वेशन में यानी समीकरण में एक चर वाले रैखिक समीकरण में रख करके देखते हैं। तो यहां पर देखेंगे ये तो था तीन गुणज, जो पहला गुणज था वो आठ एक्स, दूसरा जो गुणज है हमारा आठ एक्स प्लस आठ और तीसरा जो गुणज हो गया वो हमारा हो गया आठ एक्स प्लस सोलह। तो प्रश्नानुसार वो मुझे क्या कहता है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार वो मुझे कहता है कि तीनों गुणजों का योग, पहला गुणज आठ एक्स था, दूसरा गुणज आठ एक्स प्लस आठ था, तीसरा जो गुणज था वो था आठ एक्स प्लस सोलह है ना, ये पहला गुणज, ये दूसरा गुणज, ये तीसरा गुणज, इन तीनों का जो योग है, देखो इन तीनों को मैंने प्लस कर दिया है एक यहां पर, इन तीनों का जो योग है वो 881 है। अब हमें एक चर वाली रैखिक समीकरण प्राप्त हो गई, अब हम इसे सॉल्व किस प्रकार से करना है आइए देखते हैं। हमें x x को जोड़ देना है, इधर पहले इधर का पोर्शन हम हल करते हैं बाद में उस तरफ देखेंगे, आठ और आठ सोलह, आठ एक्स और आठ एक्स सोलह एक्स, सोलह एक्स और आठ एक्स हो जाते हैं चौबीस एक्स। तो यहां पर चौबीस एक्स प्लस, अब अंक देखेंगे यहां पर हम एक्स एक्स तो हम जोड़ चुके, यहां पर सोलह और आठ हो जाता है हमारा, यहां पर चौबीस हो जाता है और यहां पर ट्रिपल एट पड़ा है मेरे पास 888 पड़ा है। अब हम देखेंगे हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया हुआ बार बार चार चार एक तरफ अचर अचर एक तरफ, तो हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये चौबीस एक्स हमारा यहां पर पड़ा है, ये प्लस का चौबीस उधर जाकर के हो जाएगा माइनस का चौबीस। अब 888 में से हम घटाएंगे चौबीस, आठ में से चार गए हमारे पास कितने बचते हैं चार बचते हैं, और आठ में से दो गए हमारे पास छह बचते हैं और आठ का आठ इधर रह जाता है हमारे पास 864।
और यहाँ पर है 24x। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब गुणा का निशान है, 24x की गुणा में है तो उधर जाकर के 864 के भाग में आ जाएगा और ये कटेगा 36 बार। तो यहां पर x की वैल्यू आ गई 36, यहां पर x की वैल्यू आ चुकी है 36। उसके बाद में यहां पर x की वैल्यू 36 आई है, ना कि हमको हमारा गुणज पता चला है। गुणज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। पहला गुणज हमारा क्या था, पहला गुणज था हमारा 8x। तो पहला गुणज हमारा 8x था, इनके बीच में कोई निशान नहीं, यानी मल्टीप्लाई का निशान है। तो x की जगह x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू कितनी आई है 36। तो जब 36 की 8 से हम गुणा करते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 288, 288। तो पहला गुणज हमारा 288 है। और फिर हम बात करते हैं दूसरे गुणज की। अब दूसरा जो गुणज है हमारा वो था 8x+8, जो हमारा दूसरा गुणज है वो था हमारा 8x+8। तो x की जगह हम x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू हमने देखी कितनी थी, 36 थी, प्लस में 8, यही है हमारा दूसरा गुणज। जब हमारा दूसरा गुणज ये है, आप जानते हैं भली भांति, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर आंसर आ जाएगा हमारे पास में, देखेंगे गौर से, 296, 296 कितना आ जाएगा, 296 इसका आंसर आ जाएगा। जब आप 36 की 8 से गुणा करते हो तो आप जानते हो 288 आता है, और 288 में जब आप 8 जोड़ते हो, 288 में जब 8 आप जोड़ते हो, 8 8 16, 8 और 1 9 और 2 का 2, 296। तो दूसरा गुणज हो जाएगा हमारा 296। और जो हमारा तीसरा गुणज है, आप गौर से देख रहे हैं, हमारा जो तीसरा गुणज है वो था 8x+16। ये तीसरा गुणज है 8x+16, ये हमारा तीसरा गुणज था। तो इनके बीच में कोई निशान नहीं, यानी मल्टीप्लाई का निशान है। x की जगह x की वैल्यू रख देंगे, 36+216, 8 × 36 आप जानते हैं 288 आता है। 288 में जब हम 16 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो यहां पर उत्तर आ जाएगा मेरे पास 304, उत्तर आएगा 304। आप देख सकते हैं 8 6 आप जानते हैं कितना होता है, 14 होता है, हंसी लग जाएगी यहां पर, 1 8 और 1 9 और 1 10, हंसी लगी 1, तो यानी 304। तो तीसरा गुणज जो है हमारा 304 हो जाएगा। तो हमारा पहला गुणज हो गया 288, दूसरा गुणज हो गया 296, और तीसरा गुणज हो गया 304। अब आप कहेंगे सर ये लगातार थोड़ी, हम गिनती नहीं लिख रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, हम 1 2 3 4 5 6 गिनती नहीं लिख रहे हैं, हम मल्टीपल्स गुणजों की बात कर रहे हैं। यह वो 3 लगातार 8 के गुणज हैं, ये 3 लगातार 8 के गुणज हैं, लगातार 8 के गुणज है, यानी इन दोनों के बीच में 8 का कोई और गुणज नहीं है, और इन दोनों के बीच में भी 8 का कोई और गुणज नहीं है। तो ये 3 लगातार गुणज हमारे आंखों के सामने है, 288, 296, 304। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला सवाल है, वह 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 व 4 से गुणा करने पर और गुणा करने के बाद योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब मुझे ये पता नहीं है कि कौन कौन से ये पूर्णांक है, लेकिन इसने हमें एक बात कही है कि 3 लगातार, देखिए मैंने 3 लगातार के नीचे अंडरलाइन भी किया हुआ है, 3 लगातार उसने हमें ये हिंट दी है। तो अब मैंने आपको बताया था, जब हमें पूर्णांक पता नहीं हो और लगातार की बात हो रही हो, लास्ट टाइम भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो हम मानेंगे पहला पूर्णांक हमारा एक्स, चूंकि लगातार की बात हो रही है, दूसरा पूर्णांक है हमारा x+1, और तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x+3, जब 3 लगातार पूर्णांकों की बात हो रही हो। प्रश्न अनुसार क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि पहले पूर्णांक को हम 2 से गुणा कर लें, दूसरे पूर्णांक को हम तीसरे 3 से गुणा कर लें, और तीसरे पूर्णांक को हम जो है 4 से गुणा कर लें, ये हमें कहता है, और फिर हम उनका योग कर लें। देखिए तो हमें परिणाम जो है, योगफल जो है, उत्तर जो है 74 प्राप्त होता है ऐसे करने पर।
तो तीनों पूर्णांक बताइए, ये हमसे कहता है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। पहले मैं इस तरफ वाला पोर्शन हल करता हूँ। 2 की गुणा x से हो गई, यहाँ पर आ गया 2x, 3 की गुणा x+1 से होगी तो 3 की गुणा x से भी होगी 3x, और 3 की गुणा 1 से भी होगी 3 एकम 3, और 4 की गुणा जब x+2 से होगी तो 4 की गुणा x से होगी तो यहाँ पर हो गया 4x, और 4 की गुणा 2 से होगी तो हो जाएगा 4 गुणा 8 बराबर में पड़ा है मेरे पास यहाँ पर 74। ठीक है, अब जो है मैं बाएं पक्ष को हल करता हूं। सबसे पहले मैं एक्स एक्स की वैल्यू को ऐड कर लेता हूं, 2x, 3x और 4x, चूंकि एक्स एक्स की वैल्यू मैं ऐड कर रहा हूं, 2x और 3x हो गया 5x, 5x और 4x हो गया हमारा यहाँ पर 9x, और 8 और 3 यहाँ पर हो जाता है हमारे पास में 11, और बराबर में मेरे पास पड़ा है 74। तो हमने देखा यहां तक हम पहुंच चुके हैं, मेरे पास आ चुका है 9x+11 बराबर में मेरे पास पड़ा है 74। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो मैं यहां तक पहुंच चुका हूं 9x+11 बराबर में 74। तो देखेंगे ये 9x यहां पर पड़ा रह जाएगा। अब चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ, तो अंक को यहां एक्स एक्स एक तरफ, अंक अंक एक तरफ, जो ये प्लस का 11 है उधर जाकर के माइनस का 11 हो जाएगा। तो देखेंगे 4 में से 1 चला जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, 7 में से 1 चला जाएगा, यहां पर 6 आ जाएगा, 63 आ गया 74 में से 11 जाने पर। यहाँ पर 9x है, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, यानी मल्टीप्लाई का निशान है, और x यहाँ पर पड़ा है तो 63 के बटा में चला जाएगा 9, तो 9 7 63, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 63। तो वह कहता है तीनों पूर्णांक कौन कौन से हैं, तो देखिए गौर से। अब सबसे पहला पूर्णांक जो था वह था हमारा, पहला पूर्णांक जो था उसको हमने, पहले पूर्णांक को हमने माना था x, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो पहला पूर्णांक हमारा 7 हो गया। दूसरा जो पूर्णांक था, दूसरा पूर्णांक x की जगह x की हम वैल्यू रख देंगे, दूसरा पूर्णांक था x+1 है ना, तो x की वैल्यू है 7+1 बराबर में आ गया 8। और तीसरा जो हमारा पूर्णांक था, तीसरा पूर्णांक जो था हमारा वह था x+2, यानी तीसरा पूर्णांक जो है हमारा x की जगह x की वैल्यू +2 का 2, 7 और 2 हो जाते हैं 9। तो देखिए 3 लगातार पूर्णांक हमको मिल चुके हैं, पहला पूर्णांक 7, दूसरा पूर्णांक 8, तीसरा पूर्णांक 9। तो ये 3 लगातार पूर्णांक 7, 8, 9 थे जो हमें ज्ञात करने थे, और इन्हीं पूर्णांकों की अगर पहले पूर्णांक की 2 से मैं गुणा करता हूं, आपको आंसर चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। पहला पूर्णांक है 7, उसकी अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो 7 × 2 = 14, अगर दूसरा पूर्णांक है मेरा 8, उसकी गुणा अगर मैं 3 से करता हूं 8 × 3 = 24, और तीसरा पूर्णांक है मेरा 9, उसकी गुणा यदि मैं 4 से करता हूं तो 9 × 4 = 36। अब आप अगर इन तीनों को एड करते हैं तो आपका उत्तर 74 आना चाहिए, और 6 × 4 = 10, 4 × 14 की हासिल लगी 1, 14 की हासिल लग गई 1, 1 और 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 7, तो 74 हमारे पास आ रहा है, अर्थात ये हमारा उत्तर एकदम सही है। यानी पहला पूर्णांक जो कि था x वो हो जाएगा 7, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा 8 और तीसरा पूर्णांक हो जाएगा 9। आइए देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 2। राहुल और हारून की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:7 है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है, तो उनकी आयु, उनकी वर्तमान आयु, उनकी जो प्रेजेंट एज है वो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहले यहां पर मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया था कि अनुपात और ओरिजिनल वैल्यू, वास्तविक मान में अंतर होता है, अनुपात का मतलब वास्तविक मान नहीं होता, ठीक है, और अगर हमें अनुपातों को वास्तविक मान में बदलना होता है तो उसकी हम एक्स से अनुपात की एक्स से मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करते हैं। तो आइए देखिए सबसे पहले इसका आंसर, देखिए यहां पर अनुपात दे रखा है हमें, आयु का जो अनुपात है, आयु का अनुपात है ना, तो यहां पर हारून, राहुल और हारून, यहां पर राहुल और हारून
की आयु का अनुपात हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 5:7, ये हमें अनुपात दे रखा है। उसके बाद में ये वर्तमान आयु का अनुपात है। अब अगर हमें वर्तमान आयु निकालनी है, वर्तमान आयु, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी भी x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये वर्तमान आयु आ रही है, ना कि वर्तमान आयु का अनुपात। मैंने अभी अभी आपको बताया, यदि अनुपातों को वास्तविक मान में ओरिजिनल वैल्यू में बदलना है तो उसकी गुणा x से करते हैं, दिए गए अनुपात की गुणा x से करते हैं। तो यहां पर 5 की गुणा हम x से कर देंगे और 7 की गुणा हम, 7 की भी गुणा हम x से कर देंगे। तो जो हम वर्तमान राहुल की जो वर्तमान आयु है वो आ जाएगी 5x और हारून की जो वर्तमान आयु है वो आ जाएगी 7x। उसके बाद में हम देखेंगे, वो कहता है कि 4 साल बाद, है ना, तो प्रश्नानुसार, है ना, या 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी, 4 वर्ष बाद। अब देखो 4 वर्ष बाद ये राहुल भी 4 साल बड़ा हो जाएगा और ये हारून भी 4 साल बड़ा हो जाएगा। तो अभी जो राहुल की वर्तमान आयु है वो है 5x और जो हारून की वर्तमान आयु है वो है 7x, अभी प्रेजेंट समय में। 4 साल बाद जो है ये राहुल भी 4 साल, जितनी इसकी एज है उससे 4 साल बड़ा हो जाएगा, हारून अभी जितनी इसकी एज है उससे वो 4 साल आगे बड़ा हो जाएगा। तो मैं 5x प्लस क्या कर देता हूं, यहां पर 4 कर देता हूं और यहां पर 7x यहां पर प्लस का 4 कर देता हूं। तो आप देखेंगे 4 वर्ष बाद राहुल की आयु तो हो गई ये 5x प्लस 4 और हारून की आयु होगी ये 7x प्लस 4। अब ये कहता है कि प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, के 4 वर्ष बाद दोनों के आयु का योग 56 हो जाता है। तो देखिए 4 वर्ष बाद की बात हो रही है तो 4 वर्ष के बाद वाली ही आयु हमें लेनी पड़ेगी और 4 वर्ष बाद की आयु है राहुल की है 5x प्लस 4 और हारून की है 7x प्लस 4। अब इन्हें लेकर के हम, ये राहुल की आयु और ये हारून की आयु 4 वर्ष बाद की, इनका जो योग है वो यहां पर कितना हो जाता है, 56 हो जाता है। इनका योग यहां पर 56 हो जाता है। तो उसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले इधर हम प्लस कर लेते हैं, 7x को अलग जोड़ लेता हूं, अंकों को मैं अलग जोड़ लेता हूं। तो 7x और 5x हो चुका है मेरे पास में 12x और 4 और 4 यहां पर हो चुका है मेरे पास 8 और यहां पर है 56। अब चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ, तो हम क्या करेंगे, ये 12x यहां पर पड़ा है बराबर में, ये 56 में से 8 जो कि प्लस का है उधर जाकर के ये माइनस का हो जाएगा, तो उसे घटा देंगे तो 56 में से 8 घट जाइएगा। आगे देखते हैं, आइए हम यहां तक पहुंच चुके हैं। यहां पर ये 12x है, 56 में से जब 8 चला जाता है तो मेरे पास बचता है 48, 48 यहां पर मेरे पास बचेगा 48। आप देख सकते हैं एक हासिल लेंगे 16 हो जाता है, 16 में से 8 जाएगा यहां पर, गौर से देख लीजिए, 56 में से जब 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा और यहां पर 4 आएगा तो 48, 56 में से 8 जाने पर 48 यहां पर रहता है। अब यहां पर 12x रह गया, 12 और x के बीच में कोई निशान नहीं है तो यानी मल्टीप्लाई का निशान है, ये 48 यहां पर पड़ा है। अब 12x की गुणा में है, 12x की गुणा में है तो उधर जाकर के ये बट्टा में यानी डिवाइड में हो जाएगा, तो 12 चौके 48, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास, x की वैल्यू आ चुकी है 4। यहां पर मेरे पास x की वैल्यू आई है, ना कि दोनों की वर्तमान आयु का मान आया है। तो देखेंगे राहुल की जो वर्तमान आयु है, राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु हमने कितनी थी, 5x निकाली थी, कितनी निकाली थी,
पांच एक्स निकाली थी, तो इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, यानी मल्टीप्लाई का निशान, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रख देंगे, चार तो पांच चौक बीस वर्ष, ये हो जाएगी राहुल की वर्तमान आयु। उसके बाद में बात आती है हारून की वर्तमान आयु की। हारून की वर्तमान आयु, हारून की जो वर्तमान आयु है उस वो थी हमारी सात एक्स, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है यानी मल्टीप्लाई का निशान है, तो सात इंटू एक्स, एक्स की जगह मैं एक्स की वैल्यू रखूंगा और एक्स की वैल्यू जो है वो है चार और सात चौक हो जाता है अट्ठाईस वर्ष, यानी कि अभी प्रेजेंट समय में वर्तमान में राहुल है बीस वर्ष का और हारून है अट्ठाईस वर्ष का। इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर नौ समाप्त तो होता है। आइए देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला जो दसवां क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात सात अनुपात पांच है। मैं वापस से यहां बता दूं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात है सात अनुपात पांच, ये बालक और बालिकाओं की वास्तविक संख्या नहीं दी गई है। यदि अनुपातों को वास्तविक संख्या में ओरिजिनल वैल्यू में बदलना होता है तो अनुपातों की दिए गए अनुपातों की एक्स से गुणा करते हैं। आगे देखते हैं, वो कहता है यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से आठ अधिक है, यानी जितनी भी नंबर ऑफ बॉयज हैं वो नंबर ऑफ गर्ल्स से, यानी बॉयज लड़कियों से आठ ज्यादा है संख्या में, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। आइए देखते हैं सवाल को अच्छे से। सबसे पहले यहां पर कक्षा में जो अनुपात दे रखा है किसका, बालक अनुपात में बालिकाओं का, वो अनुपात हमें दे रखा है सात अनुपात पांच, सात अनुपात पांच, यानी बालकों का अनुपात सात है और बालिकाओं का अनुपात पांच है, सात अनुपात पांच कक्षा में हमें यह अनुपात दे रखा है। तो कक्षा में बालक में बालिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू लाने के लिए मैंने आपको बताया था इसकी एक्स से मल्टीप्लाई होगी बालक के अनुपात की और इस पांच की भी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कक्षा में बालकों की संख्या हो जाएगी सात एक्स और बालिकाओं की संख्या हो जाएगी पांच एक्स। ठीक है, अब प्रश्नानुसार वो हमें क्या कहता है, प्रश्नानुसार सवाल हमें ये कहता है कि बालक जो है लड़कियों से आठ ज्यादा है, या मैं उल्टा कहूं लड़कियां जो है लड़कों से संख्या में आठ कम है, तो यहां पर हमारी इक्वेशन क्या बनी, सात एक्स माइनस पांच एक्स बराबर आठ, यानी कि अगर सात में से पांच में सात एक्स में से पांच एक्स घटाऊंगा तो उत्तर आएगा आठ, है ना। मैं यदि कह दूं कि छह जो है चार से ज्यादा है, चार से ज्यादा है, दो ज्यादा है, तो यानी छह में से आप चार घटाओगे तभी तो आएगा दो। तो कहने का तात्पर्य है यहां पर कहा गया है कि बालक लड़कियों से आठ ज्यादा है संख्या में, तो बालकों की संख्या में से लड़कियों की संख्या को मुझे घटाना पड़ेगा। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। सात एक्स में से पांच एक्स जब चला गया, सात में से पांच एक्स जाने के बाद इधर बचेगा दो एक्स और इधर रह जाएगा आठ। अब आप जानते हैं इनके बीच में कोई निशान नहीं है, चार चार एक तरफ और चार चार एक तरफ, मल्टीप्लाई का निशान होता है, तो एक्स बराबर में आठ चूंकि दो एक्स की गुना में है तो उधर जाकर ये बटा में आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा चार। एक्स का मान आया है चार यहां पर, अभी यहां पर बालक व बालिकाओं की संख्या नहीं आई है। तो देखेंगे बालकों की जो संख्या है वो कितनी होगी, बालकों की संख्या जो थी हमारी वो थी सात एक्स, यानी सात इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आई है चार, सात चौक अट्ठाईस। और उसके बाद में बालिकाओं की संख्या की बात आती है, तो बालिकाएं कितनी है, बालिकाएं जो थी हमारी वो थी पांच एक्स, तो इसके बीच में कोई निशान नहीं यानी मल्टीप्लाई का निशान है, तो पांच इंटू एक्स की वैल्यू चार आई है, पांच चौक बीस, तो लड़के कक्षा में है अट्ठाईस और लड़कियां कक्षा में है बीस।
अब वो कहता है कि कुल विद्यार्थी कितने होंगे, तो बस अंतिम में हमें करना क्या है, बालकों की संख्या, लड़कों की संख्या व लड़कियों की संख्या को हम जोड़ लेंगे। तो कुल विद्यार्थी जो है कक्षा में वो हमारे आ जाएंगे, देखिएगा, कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर में बालकों की संख्या प्लस गर्ल्स की संख्या, यानी कि बालकों की संख्या हमने जो निकाली थी वो थी 728 और गर्ल्स की जो संख्या थी वो थी 20, दोनों को जोड़ा तो कुल कक्षा में विद्यार्थी आ गए 48। कितने विद्यार्थी आ गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए 48, 48 विद्यार्थी कक्षा में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं यानी, और उससे 29 वर्ष बड़े। बाईचुंग के जो पिताजी हैं, बाईचुंग के दादाजी से 26 साल छोटे हैं, यानी बाईचुंग के पिताजी अपने पिताजी से 26 साल छोटे हैं और बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, आइए देखते हैं आंसर। देखिए यहां पर तीन लोग हैं, एक है बाईचुंग, एक है उसके पिताजी यानी बाईचुंग के पिताजी और एक है बाईचुंग के दादाजी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, बाईचुंग के पिताजी को हम यहां पर हम मान लेते हैं, माना जो आयु है, बाईचुंग के पिताजी की आयु हम मान लेते हैं एक्स वर्ष। अब बाईचुंग के पिताजी जो हैं अपने पिताजी से यानी बाईचुंग के दादाजी से 26 साल छोटे हैं, यानी कि बाईचुंग के जो दादाजी हैं बाईचुंग के पिताजी से 26 साल बड़े हैं, तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 26। और यहां पर यह कहा जाता है कि बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, कितने वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं, यानी कि बाईचुंग अपने पिताजी से 29 साल छोटा है। अगर मैं यूं कहूं, देखिए बाईचुंग के जो पिताजी हैं बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं, तो मैं से यूं भी तो कह सकता हूं कि बाईचुंग जो है अपने पिताजी से 29 साल छोटा है। तो पिताजी की आयु थी x और बाईचुंग उनसे छोटा है 29 साल, तो बाईचुंग की आयु हो जाएगी x माइनस 29 वर्ष, यहां पर ये आयु हो जाएगी। तो ये तीनों की आयु आ चुकी है। प्रश्न अनुसार वो मुझे कहता है कि इन तीनों की जो आयु का योग है वो है 135 वर्ष। तो बाईचुंग की आयु x माइनस 29 प्लस बाईचुंग के पिताजी की आयु यानी कि x और बाईचुंग के दादाजी की जो आयु है x प्लस 26, इन तीनों की आयु का योग कितना हो जाता है, इन तीनों की आयु का योग हो जाता है 135। अब मुझे करना क्या है, जो मैं करता आया हूं अभी तक, x पहले मैं इधर xx को प्लस कर लेता हूं, मैंने देखा तीनों x प्लस के हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तीनों को जोड़ लेता हूं, xx जुड़ करके यहां पर हो गया 3x और ये 29 माइनस का है, 26 यहां प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, अगेन आई रिपीट, 29 माइनस का है 26 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 29 में से जब हमारे पास में 26 चला जाएगा तो यहां पर बचेगा 3 और बचेगा किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और यहां पर 135 पड़ा है। अब हम वही चर एक तरफ, अचर एक तरफ, ये माइनस का 3 जो है उधर जा करके प्लस का 3 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 138 और यहां पर रह गया मेरे पास में 3x। अब
ये देखिए इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का निशान है, 3x की गुना में है, तो उधर जाकर के ये पक्षांतरण के नियमानुसार भाग में आ जाएगा। तो 3 चौक 12 यहां पर आया, 3 चौक 12, 1 बचा 3 छिंग 18, तो x की वैल्यू आ गई 46। अब वो कहता है कि तीनों की मुझे अलग अलग आयु बताइए, तो हम देख लेते हैं बाईचू के जो पिताजी थे उनकी आयु हमने मानी थी x वर्ष, तो x की जो वैल्यू आई है, x की जो वैल्यू आई है वो आई है 46, यानी कि 46 वर्ष इसके पिताजी की आयु। अगर हम बात करें बाईचू के दादाजी की आयु की, अगर हम बात करें तो वो है x प्लस 26, यानी 46 प्लस 26, 6 6 12 हासिल लगी, 1 5 और 2 7, यानी कि ये हो जाएंगे 72 वर्ष के। और ये जो है बाईचू है हमारा, इसकी जो आयु है x माइनस 29 है, यानी 46 में से 29 को हम घटाते हैं, तो जब 46 में से 29 हमारे पास में चला जाता है तो आंसर आता है 17, यहाँ पर आ जाएगा उत्तर, आ जाएगा 17 वर्ष। तो ये तीनों की अलग अलग आयु हमने देखी, बाईचू की आयु आई 17 वर्ष, बाईचू के पिताजी की आयु आई 46 46 वर्ष, और बाईचू के दादाजी की जो आयु आई वो आई 72 वर्ष। इस तरह से हमने जो तीनों थे, बाईचू बाईचू के पिताजी बाईचू के दादाजी, तीनों की आयु जो हमने निकाल ली। इसी प्रकार से हमारे 11 सवाल आज खत्म होते हैं, एंड होते हैं, और आप वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार, बाय।